किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक और कृषि संबंधी अन्य सामग्री सस्ती दरों पर मिले, जिससे वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए नई तकनीकों को अपना सके। किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई। पहला है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK और दूसरा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर कहा जा रहा है। अब सभी प्रकार के प्रमुख उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड भारत का उपयोग किया जाएगा। देश का कृषि क्षेत्र आधुनिक हो, किसान सक्षम हो और भविष्य की चुनौतियों का स्वदेशी समाधान हो, कृषि और किसान दोनों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो ब्रांड का वो ब्रांड बेचता नहीं है, और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमाही के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है, और ये ब्रांड है भारत। प्रधानमंत्री ने उर्वरक क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका इंडियन एज का भी लोकार्पण किया, जिसमें उर्वरकों की जानकारी के साथ ही कृषि क्षेत्र की कई सूचनाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री ने जहां संकल्प जताया, तो वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार 75 से 80 रुपए प्रति किलो उर्वरक खरीदती है और किसानों तक इसे 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक में वितरित करती है। ऐसे में सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपए मौजूदा वर्ष में यूरिया आयात करने में खर्च आया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद केंद्र सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन के दौरान एक और बड़ी पहल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में हुई। ये केंद्र बीज से बाजार तक किसानों के मददगार साबित होंगे। पहले चरण में 600 केंद्रों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राशि किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। कृषि में बढ़ते नवाचार, तकनीक और नई फसल उगाने के प्रति किसानों के उत्साह की प्रधानमंत्री ने सराहना की।
उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विभिन्न स्टार्टअप प्रदर्शनी को देखा और विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश में जहां 2014 में सिर्फ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 3000 तक जा पहुंची है। ये स्टार्टअप सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान दे रहे हैं।